कराची में औरंगी टाउन के इलाके निशाने हैदर चौक पर मुसल्ला मोटरसाइकिल सवारों ने एमकेएम के रुकन सिंध असेंबली मंजर इमाम की गाड़ी पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में मंजर इमाम, उनके ड्राइवर इमरान, दो गनमैन मुराद और साजिद मौके पर ही जांबाग हो गए। मकतूलीन की मैयतें अब्बासी शहीद अस्पताल पहुँचने पर लवाइकीन, एमकेएम राबता कमेटी के अराकीन समेत कारकुनान की बड़ी तादाद अस्पताल पहुँच गयी। एमकेएम राबता कमेटी के रुकन वासी जलील का कहना था कि इस 5 साल दौरे हुकूमत में एमकेएम के 2 अराकीन पार्लियामेंट को निशाना बनाया गया, जो हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है। इस वक्त एक जंगल का कानून बन गया है इस मुल्क के अंदर, जिसकी जो मर्जी आ रहा है, जिस अंदाज में चाह रहा है, इस शहर में ला कानूनियत को अपने हाथ में ले रहा है और यहाँ की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो अपने हाथ पे हाथ धरी बैठी हैं। एमकेएम ने रुकन सिंध असेंबली मंजर इमाम और उनके साथियों के कत्ल के खिलाफ कराची समेत मुल्क भर में 3 रोजा शोक का ऐलान किया है, जबकि जुम्मे को रुकन सिंध असेंबली मंजर इमाम समेत 4 अफराद की नमाज जनाजा बाद नमाज जुम्मा जिना ग्राउंड कराची में अदा की जाएगी। कैमरामैन अदील अली, अथर अब्बास और साथी रिपोर्टर बिलाल नसीर के साथ किरण खान, दुनिया न्यूज़, कराची।